बावर्ची बोर्ड से हार भी चुका है। तो 2.17 अमेरिकन है। अस अमेरिकन डॉलर 15 लिस्टेड ओवर द स्टैम एस ऑफ दी 2.23। कैलकुलेट द रूल ऑफ फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट अबाउ द फ्लोर। कह रहा है एक स्फेरिकल बॉल है, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया, उसका वेट 15 न्यूटन है। आप बताइएगा कि कितनी, कैलकुलेट कीजिएगा कि कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए उसको फर्श के ऊपर रखे हुए स्टेप के ऊपर चढ़ाने के लिए। डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, उसे समझने में हमें और हेल्प मिलेगी। अब इसमें ये इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस। अच्छा, ये फ्लोर है, ये फ्लोर सरफेस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर एक स्टेप पड़ा, आप समझ लें एक ब्रिक पड़ी है, एक ईंट पड़ी है, और उसके ऊपर हमें इस स्फेरिकल बॉल को चढ़ाना है। और इस ब्रिक की जो हाइट है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली इस तरफ भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं इस जगह पर फोर्स हम लगा रहे हैं, इस जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, आप ये बताइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा हमें कितनी फोर्स चाहिए इस स्फीयर को इधर से खींच के इस स्टेप के ऊपर चढ़ाने के लिए। और इस स्फीयर का वेट भी उसने दिया, वो वेट 15 न्यूटन है। वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, हम यहाँ पर शो करें वेट बराबर है 15 न्यूटन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेट हमें दिया हुआ है 15 न्यूटन, और हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करनी। बाकी सारा डेटा जो है वो गिवन है, फिर के अंदर दिया होगा। अच्छा, अगर ये 20 सेंटीमीटर है मुझे बताइएगा ये कितना होगा? सब लोग देखिएगा ये वाला बेटा कितना होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी 20 होगा, ये इधर से लेकर इधर तक कितना होगा? 20। सब लोग बोर्ड पर उतर जाओ बेटा। अब ये हमारे पास, ये इधर से लेकर इधर तक आपको पता है कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 20 में से ये वाला 5 चला गया, तो हमारे पास ये वाली इतनी, इतना डिस्टेंस जो हमें पता है कितना बन जाएगा? ये 15 बन जाएगा। हम आप लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये उसने फिग में दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसने बोला इधर से लेकर इधर तक 10 सेंटीमीटर। ये हमने 10 सेंटीमीटर शो कर दिया। अच्छा, अब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट के लिए मैं ओ कह देता हूँ, इस पॉइंट को ए कह लेता हूँ, इसको बी, इसको सी कह लेता हूँ, और ये हम डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम डी कह लेते हैं। अच्छा, अब देखिएगा ये हमारे पास ये वाली जो फोर्स है, जब हम इधर से पकड़ के इसको खींचेंगे, ये सफेद इस पॉइंट के ऊपर घूमकर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस फोर्स की वजह से कौन सा टॉर्क पैदा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी एक और बात, जैसे ही हम इसको खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर हम दरमियान में छोड़ दें तो वेट की वजह से ध्रस, तो वेट कौन सा टॉर्क पैदा कर रहा है? क्लॉकवाइज। मैं फिर रिपीट करता हूँ, लेकिन ये वाली फोर्स हम इसको खींच के सफेद को इस तरफ लेके आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रही है, और अगर हम दरमियान में छोड़ दें तो ये वेट इसको नीचे ले आएगा, यानी वो कौन सा टॉर्क पैदा करेगा? क्लॉकवाइज। अच्छा, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। इसका मोमेंट आर्म कितना है? ये वाला मोमेंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखिए कितना होगा, इधर से इधर तक भी आपको पता है, तो 15 प्लस 10 25 सेंटीमीटर। अच्छा, वेट का मूवमेंट आप देखिएगा, वेट की फोर्स बेटा इस तरफ लग रही है, वेट ये, और मोमेंट आर्म जो है ये इधर से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेट तक का, तो वो ये है, ये 5 नहीं है ना, ओ से लेकर ए तक हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ओ बी का पता है, हमें ए बी का भी पता है, हमें ओ ए का नहीं पता। तो राइट एंगल ट्राइंगल में
अगर हमें तीन में से दो साइड्स पता हो तो तीसरी साइड का पता चलाया जा सकता है। तो तीसरी साइड के लिए हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना है, ओ से, तो ओ बी इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये पॉइंट ए है, तो ए बी स्क्वायर आ जाए, हमें ओ ए चाहिए, तो ए बी स्क्वायर इधर पॉजिटिव क्या है, इधर ले जाए ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और इधर आ जाएगा ओ ए और स्क्वायर। अच्छा ओ बी जो है वो बराबर किसके है, 20 के, ओ से लेकर बी तक 20 के बराबर है, हम इसकी जगह पर 20 लिख रहे हैं, 20 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए से बी 15 है, हम यहाँ पर 15 लिख देंगे, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए और इसका स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 400 माइनस ये आ जाएगा 225 और इधर आ जाएगा ओ ए स्क्वायर, 400 में से 225 आ जाएगा ओ ए, ये हमारे पास स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट एस, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए, ये इधर स्क्वायर था स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ओ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर, मैं इधर लिख भी देता हूँ 13.2 सेंटीमीटर। अच्छा अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के मुताबिक समीशन टाउ बराबर किसके होता है, जीरो। या हम ये भी कहते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। अच्छा अब हम इस पॉइंट पे बेटा इस पॉइंट पे टॉर्क फाइंड करेंगे, तो इस ये वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करती फोर्स, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिखते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव लिखना ऐसे जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एफ लिख दिया, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओ पॉइंट से, ओ से लेकर तो हम लिख देंगे ओ डी, अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं मैं, ये जो वेट है मैंने आपको बताया कि वेट की फोर्स कौन सा टॉर्क पैदा कर रही है, क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू और वेट की फोर्स का मोमेंट आर्म कितना है, जो बेटा आप बताएं वेट की फोर्स का, ये फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ओ से लेकर कहां तक है, ओ से लेकर ए तक, ये ओ से ए तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट का, कहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम यहां पर लिखेंगे इसका मोमेंट आर्म ओ ए इक्वल्स टू जीरो, सारे टॉक्स का सम क्या आ गया जीरो। अच्छा वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ हमें फाइंड करना है, ओडी की वैल्यू हमें पता है 25 है, अच्छा माइनस डब्ल्यू हमें पता है गिवन है 50 और ओए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 13.2 इक्वल्स टू जीरो। अच्छा ये पूरा फैक्टर जो है उठाकर इधर लेना या मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इन टू 25 और इधर आ जाएगा, अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ा लेते हैं 660 और इक्वल्स टू जीरो, ये 660 इधर आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 660, कितना आ रहा है 6620। अच्छा 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 660 डिवाइडेड बाय 25 तो हमारे पास आ गया कितना 26.4 न्यूटन आ गया, तो हमें जस्ट 26.4 न्यूटन की फोर्स चाहिए इस सफेयर को इस स्टेप के ऊपर चढ़ाने के लिए, क्लियर हो गया, हो जाएगा। तो नेक्स्ट है